अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र से उठाईगिरी का मामला सामने आया, जहां पर एक रिटायर्ड शिक्षक से करीब 1.5 लाख रुपए की उठाईगिरी कर दी गई। वहीं कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच सीसीटीवी के आधार पर कर रही है। जानकारी के अनुसार रिटायर्ड शिक्षक बैंक से पैसा निकालने के बाद होटल पहुंचे थे, जहां पर अज्ञात युवक ने बैग में रखे पैसे उठाकर फरार हो गए। घटना की शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। मैं सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक अंबिकापुर में मुख्य ब्रांच में आया था पैसा हरण करने के लिए, तो वही निकाला 1,30,000 रुपये निकाला। और निकालने के बाद जब मैं घर जा रहा था तो वेलकम होटल में नाश्ता किया, दो ठो समोसा खाया। इसके बाद जब खाने के बाद उठ रहा था, देखा तो बैग मैंने बगल में रखा था, बैग को बगल में रखा था, वो बैग दिखाई नहीं दिया। फिर मैं तुरंत तो दुकानदार को ही बोला, मैं होटल वाले को, यार बैग नहीं दिख रहा है, कहाँ गया। तो फिर अपना सीसीटीवी वगैरह देखे वो लोग, तो कहे कि कोई आदमी आपके पीछे में था। अभी एक जानकारी प्राप्त हुई है कि राम धनी राम एक SBI से 1,30,000 का पैसे विदड्रॉ करके वेलकम होटल में नाश्ता करने के लिए रुका था, उसी में उठाईगिरी होके एक आदमी गाड़ी में भाग गया है, और वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज में आया है और पुलिस अभी जांच जारी है।